हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी सेल्फ। आई एम प्रदीप। सो टुडे वी विल सी अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द एलडीसी एग्जाम्स। ओके, इफ यू सी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस बना रखे थे अबाउट द यूडीसी एग्जाम, ऑलराइट, तो वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि लाइक ये टॉपिक्स यहाँ से नहीं आएगा, या फिर सिमिलरली आपके ऐसे टॉपिक एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे मैथ्स वगैरह में। आपके यहाँ की जो फैकल्टीज़ थी उन्होंने भी ऐसे ही बता रखे थे कि मैथ्स में इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी दैट क्वेश्चन विल बी आस्क ऑन द पैटर्न ऑफ द एसएससी सीजीएल पैटर्न, तो उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो एलडीसी का भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सीएचएसएल भी होता है, कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के। मैं प्रेफर करूँगा कि आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आप वहाँ की प्रैक्टिस करो, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर वो जीएस का हो या फिर वो इंग्लिश का हो। ओके, आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को भूल जाइए, जो पहले के क्वेश्चंस पेपर आते थे जो 2+2 करके आता था, वो क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ऑलराइट, तो ये सारी भी डिटेल्स वी विल डिस्कस लेटर। तो वी विल लेट्स सी द डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस एपीएसएसबी एग्जाम्स की, व्हाट इज दियर पैटर्न, ओके, what are the most important books that you have to study about this, okay, and what are the various and what are the previous year cut off, how many number of the student that have applied, all right, what their criteria or their stage 1 stage 2। to isme bahut sare student ko doubt tha ki like jab ye form fill ho raha tha to us waqt tha ki aapka dca diploma in computer application wo kiske liye requirement hai, so it have only requirement of this ldc, नॉट द जी एस ए। वो केवल एल डी सी के लिए आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 मंथ का। ठीक है, वो 6 मंथ का केवल एल डी सी के लिए चाहिए, आपका जी एस ए के लिए या फिर कोई और डिपार्टमेंट्स के लिए आपको नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। सो सी एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, एग्ज़ाम विल बी फेयर, इसमें कोई इधर उधर की गड़बड़ी नहीं होने वाली है। जो अननेसेसरी एलिमेंट बोलते हैं तो उनको दो थप्पड़ मार के बैठा दो कि भाई तू चुप बैठ, तेरा कोई काम नहीं है। ऑलराइट, कि वो ना तो खुद पढ़ते ना दूसरे लोगों को पढ़ने देते हैं। अब एपीएसएसबी का ज़माना छोड़ दो, भूल जाओ कि जो होना था सो हो गया। ठीक है, जो होता था अंडर सेक्रेटरी जो भी होता था वो सारी चीज़ें बंद हैं। तो बेटर ये है कि आप अपनी स्टडी को फोकस करो, अपने कॉन्सेप्ट को फोकस करो, एग्ज़ाम्स को क्लियर करो, रेदर देन कि ब्लेमिंग एग्ज़ाम फिर से कराओ या फिर अननेसेसरी चीज़ें, या फिर लेट ही रिजल्ट आ रहा है तो पैसा ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ सी, अब देर आर, हम इसकी बात करते हैं। ओके, तो इस बार एपीएसएसबी ने जो नोटिफाई करा हुआ था मई मंथ में, ऑलराइट, तो उन्होंने टोटल 179 वैकेंसी रिकॉर्ड करा, दे हैड एडवर्टाइज 179 वैकेंसीज। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल दिस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एलडीसी, डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट एलडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जेएसए, जूनियर एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके, तीन सबको ऐड करके टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, 179। ठीक है, अब 179 में से एपीएसटी के लिए कितनी रिजर्व है, 154, 43, 72, 14, 8, 9, 1 एंड 7 एंड दिस 24 इज अनरिजर्व। अनरिजर्व में लाइक आपका जो एपीएसटी के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अदर स्टेट के होंगे वो तो इसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और 1 इज रिजर्व अंडर द पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ठीक है ना, फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए। सो इंक्लूडिंग ऑल दीज, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंसीज, 179। ठीक है, सो इस बार कितनी वैकेंसीज एडवर्टाइज करा हुआ है फॉर एलडीसी, 179 नंबर ऑफ वैकेंसीज। ओके, कितने नंबर आप स्टूडेंट ने अप्लाई करा हुआ है यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, बट आप यूडीसी का देखोगे जो कि ग्रेजुएशन मांगा हुआ था, तो वहाँ पर 18,000 बच्चों ने अप्लाई करा हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 19,000। तो आपके भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर देन 20,000, मीन्स वॉट 22,000 to 25,000 ने बच्चों ने तो अप्लाई करा हुआ, बिकॉज इट हैव ओनली, इट रिक्वायर्स ओनली 12th क्लास। ठीक है, केवल 12th क्लास तक मांगा हुआ था, यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन 20,000 बच्चों ने अप्लाई करा हुआ ही होगा। ठीक है, इसमें से क्लियर कितने लोगों का होना है, ओके, इसमें से क्लियर कितने लोगों का होना है,
दैट 179 स्टूडेंट दैट हैव टू सेलेक्ट, और जो आपका स्टेज टू के लिए होगा वो 1:3 का रेशियो होगा, एडवर्टाइज में आपको ऑलरेडी मैंसनड है। वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी वैकेंसीज है दिस अंडर डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट कोटा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोटा, अंडरस्टैंड दिस थिंग। सपोज यू आर, सपोज मैं पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का हूँ, ठीक है, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का, तो मैं अप्लाई किस में करूँगा, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कोई है जिसका है लोअर सियांग है, ठीक है ना, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, वो अप्लाई कहाँ पे करेगा, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का। नाउ सी दिस, अब क्या हुआ कि पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में सपोज मान लो 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सभी ऑक्यूपाइड हो गई, ठीक है, बट क्या हुआ कि और जो यहाँ पे लोअर सियांग है यहाँ पर कितनी है, 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसमें से केवल 5 लोग ही क्वालिफाई हो गए, फिर भी अभी 4 वैकेंसीज बची हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आप पापुमपारे अप्लाई करे हुए हैं और अब फिर आपका यहाँ वैकेंसी बच रही हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं केवल उसी डिस्ट्रिक्ट में ही आपका सिलेक्शन होगा। दिस ओनली दिस ये का 51 वैकेंसीज में, ठीक है, केवल 51 में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा ये डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं उसमें जो आपके पोस्टिंग होगी केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के ही लोग होंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं हो सकते। चाहे आप भले अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप क्वालिफाई भी हैं, अच्छे आपके मार्क्स भी हैं, आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर और सारे बच्चों ने क्वालिफाई करा हुआ है, तो इट डजेंट मीन कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर दिए जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आप केवल अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ही रहोगे, ओनली दिस डिस्ट्रिक्ट इस्टेब्लिशमेंट, बाकी तो फिर आप अपना प्रेफरेंस दे दो और आप जिस आपका भी किसी भी जगह पे हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, UDC वालों का भी सेम चीज़ था, LDC वालों का भी ये सेम लाइन लिखा हुआ था, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है, कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं केवल उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ओनली दिस वैकेंसीज 51 नंबर ऑफ वैकेंसीज में, अदर देन आप अगर आप यहाँ पर अप्लाई कराएं तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डेटा एंट्री में 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है ना, APST के लिए और 3 रिजर्व के लिए। एग्रीकल्चरल फील्ड असिस्टेंट के लिए अब 9 है आपका APST के लिए, 2 है आपका अनरिजर्व, ओके। लेबोरेटरी के लिए ओनली 1 वैकेंसीज, एंड रिकॉर्ड कीपर, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिकॉर्ड क्लर्क, तो 7, 2 और 9, सो ओवरऑल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई, 179 नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई, ठीक है, टोटल 179 नंबर वैकेंसीज हो गई। नाउ सी, अब APA, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज की डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं का इसका पैटर्न कैसा होगा एग्ज़ाम का, हमने देख लिया नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितने नंबर स्टूडेंट ने अप्लाई करा हुआ है, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट्स पैटर्न, ओके। सो इस एग्जामिनेशन पैटर्न विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ये श्योर हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो भी याद रखो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होना, रिमेंबर दिस, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, ऑल राइट, फर्स्ट GK, सेकेंड वन इज द इंग्लिश एंड थर्ड वन इज द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, GK, जनरल इंग्लिश एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। यहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन इन द सेंस 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हैं तो कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गए, ये कितने हो गए आपके, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 150 क्वेश्चन, और कितने का पेपर होगा आपका, 300 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स, ऑल राइट। टाइमिंग कितना आपको स्पेसिफाइड होगा इसको सॉल्व करने के लिए, दैट विल बी 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स का आपके पास टाइमिंग हुआ, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा आपका टोटल पेपर, ठीक है, आपके पास 300, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सारे के सारे जो आपके एग्जाम्स होंगे दैट ऑल विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अब थोड़ा इसकी कट ऑफ देखते हैं, ठीक है ना, लेट्स सी अबाउट इट कट ऑफ, ओके, चलो कट ऑफ से पहले देख लेते हैं थोड़ा इसका पैटर्न जो है, ठीक है। तो ये होगा आपका स्टेज वन, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा दैट विल बी इन 2 स्टेज, स्टेज वन एंड स्टेज टू, ओके, स्टेज वन एंड स्टेज टू,
स्टेज वन विल बी सेम फॉर एवरी वन, सभी के लिए स्टेज वन सेम होगा, ऑल राइट। जिसमें आपको जीके जीएस और इंग्लिश, जीके आपका जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, और ह्यूमैनिटी मैथमेटिक्स देना है, सबको सेम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज टू की। फर्स्ट स्टेज वन आपने पास कर लिया, स्टेज टू। स्टेज टू सभी के लिए नहीं है, ठीक है ना। स्टेज टू नॉट फॉर द एवरी वन, ठीक है। स्टेज टू सभी के लिए नहीं, स्टेज टू ओनली फॉर द जेएसए, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिकॉर्ड क्रीपर एंड एलडीसी। इन चार डिपार्टमेंट्स के लिए आपका स्टेज टू एग्ज़ाम आपका लेवल कंडक्ट होगा। एग्रीकल्चरल फील्ड असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट, इनके लिए आपका स्टेज टू एग्ज़ाम नहीं, उनके लिए आप स्टेज वन क्लियर करो, आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे। बट इन जेएसए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिकॉर्ड कीपर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, एलडीसी, इसके लिए आपको स्टेज टू टेस्ट होगा। आप जब स्टेज वन क्लियर करोगे तो आप स्टेज टू में आओगे, बिकॉज ये कंप्यूटर ऑपरेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आपकी कंप्यूटर ऑपरेटेड चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर बेड पे आपको काम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आपको ये कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और आपका जो टेस्ट होगा, इसमें आपके दो टेस्ट होंगे। फर्स्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। सेकेंड होगा आपका BCA, जिसको आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। पहला आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, GSA के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिकॉर्ड कीपर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, LDC, इन चार पोस्ट के लिए आपका पहला टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपका क्या होगा, 35 वर्ड पर मिनट। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोल दिया, ठीक है ना, दैट अमेजिंग, तो यू हैव टू टाइप 35 वर्ड पर मिनट। एक मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ऑल राइट। सेकेंड होगा आपका BCA, बेसिक्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, और फिर आपको PPT, इन थ्री के टेस्ट होंगे। अब इस टेस्ट के बारे में आप थोड़ा देखिए, मोस्टली जो ये टेस्ट होता है आपका RGU में ही होता है, रोनो हिल के पास, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ द मास कम्युनिकेशन है, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो जनरली आपके टेस्ट वहीं पर ही होते हैं। LDC क्या हो, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं वहीं पर ही कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लास्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ऑल राइट। अब यहाँ पे सी, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकता है, ठीक है। लाइक आपका एक ड्राइव से दूसरी जगह किसी फाइल को कॉपी करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। फिर रिबन क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सेकंड आपको एक बोर्ड होगा, बोर्ड पर लिख देंगे कि ड्रॉ दिस, ड्रॉ रेक्टेंगुलर एंड मेंशन इट, ABCD। तो ये सारी चीज़ें आपसे वो इसमें आपसे ये टेस्ट में पूछ सकते हैं, जो आपने जनरली देखा, आप कंप्यूटर ओपन करते हो, ऑफिस में वर्क कर रहे होते हो, मैं ऑफिस पे, तो आप एक इंसर्ट में जाके रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे नेमिंग कर देते हो ABCD, ऐसी चीज़ें आपसे बना सकता है। बोलेगा टाइप करके बताओ, एक फाइल बना के बताओ, एक PDF बना करके बताओ। एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल में आपसे एक क्वेश्चन करने को पूछ सकता है कि क्वेश्चन लिख करके बताओ, ठीक है। आपसे पूछेगा कि देयर आर सम नंबर ऑफ सैंपल्स, आप उसका एवरेज कैलकुलेट करके बताओ, सबका एडिशंस, जो आपके सेल्स हैं, जो आपके बुलेट्स हैं, उन सबका क्या करो, एडिशन करके बताओ, ठीक है। सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनके एवरेज क्या होगा, उनका डेविएशन क्या होगा, उनका वेरियंस क्या होगा, आप जैसे फार्मूला सेट करोगे, आप उनका इंटरेस्ट क्या होगा, आप जैसे आप फार्मूला सेट करोगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी एक्सेल में। और स्लाइड्स में आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा कि हाउ टू इंसर्ट वीडियोस, आप टाइपिंग टाइप उसमें कुछ लिखते हो तो कैसे लिखते हो, एनिमेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, दैट विल बी योर स्लाइड टेस्ट, ओके। सो दिस इज स्टेज वन एंड स्टेज टू टेस्ट, ठीक है। स्टेज वन में आपका मॉक, आपका ये टेस्ट पेपर होंगे, ठीक है ना। आपका इंग्लिश हो गया, GK हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 50-50 मार्क्स, मतलब 300 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चंस। और स्टेज टू ओनली फॉर दिस पोस्टेस, ठीक है। ये मैंने आपको स्टेज वन और स्टेज टू की डिटेल्स बता दी, ऑल राइट। लेट्स सी अबाउट दिस कट ऑफ, जिसको आप क्वालिफाइंग मार्क्स बोलते हो, ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स में ये क्या कह रहा है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स में आपसे कह रहा है कि हर एक, यहाँ पे कह रहा है आपका GS में, GK में आपको 30% स्कोर करना है,
यहाँ पे भी 30% स्कोर करना है और यहाँ पे भी 30% स्कोर करना है, ठीक है। आप जीके में 30% मीन्स 30 मार्क्स लाना है आपको 100 में से, इंग्लिश में भी 30 मार्क्स लाना है और मैथ्स में भी 30 30, मीन्स ईच सब्जेक्ट हैव 30% क्वालिफाइंग, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ हमेशा टॉप से बनता है, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है कि आपका 30% मार्क्स होना ही चाहिए इंग्लिश में भी और मैथमेटिक्स में, मीन्स ऑल सब्जेक्ट में। और जब तीनों को कंबाइन, मीन्स इसका कितना होना चाहिए, 30 30 मार्क्स, 30 मार्क्स और 30 मार्क्स, ओके। 33 भी मेंशन्ड होता है, जस्ट होल्ड ऑन, यस 33 मार्क्स, हेयर विल बी 33%, आपको हर एक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। तो आपका यहाँ 33 33 एंड 33, ऑलराइट, 33 33। अब आपका 300 मार्क्स हो गया, 300 में आपका कितना हो गया, 99, मीन्स 300 में से आपको 99 मार्क्स तो लाना ही लाना है। मैं हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कितना एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के 33, एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के 33, सब्जेक्ट क्वालिफाई करने के लिए ना 33, ठीक है। बट जब आप तीनों को ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए आपका, दैट यू शुड हैव 45%, ठीक है, यू शुड हैव 45%, मीन्स वॉट, आपको आउट ऑफ 300 कितना लाना है, यू हैव टू 135 मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है भाई। 300 का 45% क्या हो जाएगा, 135, मीन्स आउट ऑफ 300 आपको 145 मार्क्स लाना ही लाना, तभी आप मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पास कर पाओगे। 300 में से 135 नहीं आएगा तो कोई नहीं पास होगा, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 135 तो स्कोर करना ही करना, और ईच सब्जेक्ट में 33 तो 33 और 33%। वन मोर थिंग, अब इसमें कई सारे लोग, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप डिस्कस करने की बजाय फेसबुक पे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट द नॉट द करेक्ट वे, ओके। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, ओके, नो नेगेटिव मार्किंग। यूडीसी में भी कहीं मेंशन नहीं था और इस एग्जाम में भी कहीं मेंशन नहीं है। यूडीसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मोस्टली यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। अब इस पर कुछ लोग एग्ज़ाम, यूडीसी का रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट हो गए कि नेगेटिव मार्किंग करो, लोग तुक्का मार के पास हो जा रहे हैं। अरे तुक्का मारे कितना पास हो गए, एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे क्या? सो ऐसा कुछ होता होता नहीं है, चुपचाप बैठ के पढ़ना है, अपनी स्टडी को फोकस करो, बेवकूफ़ों वाले कामों में नहीं करने हैं, ठीक है। आप जितना टाइम वहाँ वेस्ट करोगे, अननेसेसरी चीज़ों में माइंड को कोलैबोरेट करोगे, उसको ले आओगे अननेसेसरी चीज़ें, तो अल्टीमेटली लॉस आपका ही होना। मैं हमेशा से कहता हूँ स्टडी करना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ओनली एंड ओनली मेथड इज स्टडी, और बैठ के पढ़ो, फेसबुक व्हाट्सअप और फिर ये अननेसेसरी चीज़ों को कुछ दिन के लिए साइड बाई साइड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का, ठीक है। तो LDC के लिए हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं आपका एग्ज़ाम की डेट क्या है, ठीक है। जो अभी नोटिस में आ रखा था, पहले आपका अगस्त में हुआ, फिर उन्हें 5 सितंबर को शिफ्ट करा, ठीक है। अब उन्होंने 3 अक्टूबर को कर दिया है, फिफ्थ सितंबर को जो उन्होंने दिया था वो आपका कैंसिल होना ही होना था, बिकॉज उस दिन कई सारे एग्ज़ाम्स थे, ठीक है। तो ये होना ही होना था, ऑल राइट। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो कितना है, 3 अक्टूबर को, और ये श्योर मान के चलो कि इस डेट को होगा ही होगा, इस डेट को आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है। तो आज कितनी हो गई, 4th हो गई, ठीक है, 4th हो गई। तो अभी आपके पास बच कितने रहे, 29, और थर्ड को तो एग्ज़ाम ही है, तो आप 28 डेज ले लो। अब 28 डेज में, ठीक है, 28 डेज में यू हैव टू प्रिपेयर GS, English and Mathematics, okay। One more thing,
आपके यहाँ के जो पंटर टीचर हैं उनको ध्यान मत देना, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आप यूडीसी में अपना रिजल्ट देख चुके हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा हुआ है, और वो 2+2 करा दिए, तुम भी खुश वो भी खुश, पैसा दे दो काम ख़त्म। तो वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। इफ़ यू आर पेइंग समथिंग, यू आर पेइंग सम अमाउंट, देन यू शुड हैव लर्न समथिंग। ठीक है, आप उस चीज़ को सीखना है और सीख करके एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है। तो मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे टीचर्स, अरे करा दो क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ नहीं, वो आपके साथ लॉस होगा। आप वहाँ क्लासरूम में बैठोगे, यार ये तो क्वेश्चंस बहुत आसान ऐसे हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाओगे तो आपको वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं। मैं यूडीसी में हमेशा आपको कहता रहा था कि आप ठीक से पढ़ो, एसएससी सीजीएल लेवल की क्वेश्चंस की तैयारी करो, लेकिन वहाँ के जो कुछ थे बेवकूफ़ टाइप टीचर्स, उन्होंने नहीं माना और वही प्रीवियस ईयर पैटर्न फॉलो करते चले गए और सबका साथ एक साथ मिस कर दिया। ठीक है, आई नो लाइक 4 to 5 स्टूडेंट किससे मेरी बात हुई, उन्होंने मैथ में 50 out of 50 मार्क्स स्कोर करा हुआ है, जो 50 के 50 क्वेश्चंस करेक्ट करे हुए हैं, वो जस्ट की प्रैक्टिस करके और प्रीवियस ईयर के जो सीजीएल के हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। अगर आपके स्टेट की प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करते तो वो फिर वहीं पर ही रह जाते हैं, फिर वो भी चिल्ला रहे होते एग्ज़ाम प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करो, एग्ज़ाम फिर से कराओ, एग्ज़ाम फिर से कराओ। एग्ज़ाम फिर से कराए नॉट द सोल्यूशन, ओनली स्टडी और ओनली ओनली एंड ओनली स्टडी इज़ द सोल्यूशन। पढ़ के क्लियर करो, एक बार सेलेक्ट हो जाना, फिर जाके चिल्लाना कि तुमने आउट ऑफ सिलेबस पूछा, तुमने ये पूछा, तुमने वो पूछा, तुमने वो पूछा, तुमने वो पूछा, वो सारी चीज़ें आप पे सूट करती हैं। लेकिन विदाउट सिलेक्शन ऐसे जाके चिल्लाओगे तो कोई सुनेगा नहीं, और पता ही है प्रोटेस्ट होने से क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट सिलेबस डिटेल्स। ठीक है, इसमें वी विल डिस्कस कि आपके जो कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, आपका सिलेबस क्या है। तो इट इंक्लूडेड थ्री सब्जेक्ट, थ्री आपको पेपर्स मीन्स आपके थ्री सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट वन इज़ द जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस होंगे, ये मैंने आपको बता रखा है 100 मार्क्स के। ऑलराइट, अब इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आप लूसेंट ले लो। ठीक है, लूसेंट जनरल इंग्लिश बुक, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो मैंने गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड आपकी आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, ठीक है ना, जनरल इंग्लिश, ये मैंने आपको फेसबुक पे भी शेयर करा हुआ है, जनरल इंग्लिश बुक की, और इसकी जो राइटर हैं BS बक्सी करके हैं। ठीक है, बक्सी बक्सी करके नाम उनका बहुत फेमस है। तो ये इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लूसेंट की इंग्लिश और अरिहंत दोनों ले लो, दोनों में से आप कोई भी एक प्रेफर कर सकते हो, दोनों बेस्ट बुक हैं। ठीक है, और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, इनको देखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आप पढ़ो, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस में आप इंग्लिश का देखना, तो जनरल इंग्लिश में उन्होंने सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, स्पॉट एंड एरर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको सब इसमें मिल जाएंगी, इस बुक्स में। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें से आपको मिल जाएंगी जनरल इंग्लिश में। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, जीके की। ठीक है, जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे आ जाओ, ये भी सेम आपका होना है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स। अब यहाँ के लिए सिलेबस देखो, सिलेबस में आपका जनरली जो सिलेबस होता है वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस, तो ये जो आपके जनरल सिलेबस होते हैं वो मेंशनड हैं। बट इन सब के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना, और उसी को ही लेके पढ़ना है।
लूसेंट जी की बुक, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आपको पढ़ना है। लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बुक्स क्या करो, ऑब्जेक्टिव बुक्स को कलेक्ट करो। इसका पीडीएफ भी मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड करा हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड हो गया आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक है, ठीक है, उसको आप वो भी मैंने अपलोड करा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या आप बुक को बाई भी कर सकते हो, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन पे अप्लाई हुआ है। आप जैसे उस पर टाइप करोगे अमेजन या फ्लिपकार्ट पे लूसेंट बुक, तो आपको जीके और जीएस तुरंत मिल जाएगा और इंग्लिश भी मिल जाएगी। ओके, थर्ड आपका करंट के लिए आपको जो करना है, देखो कोई भी एग्जाम्स होता है तो प्रीवियस 6 मंथ, 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर्स आप पढ़ लो। तभी आपका कब है, 3 अक्टूबर मीन्स 10th को, तो आप कहाँ तक के करंट कर लो, फरवरी से कर लो, और फरवरी से जो मंथ वाइज करंट अफेयर्स है आई हैव अपलोडेड ऑन द गूगल क्लासरूम, और सिमिलरली मैंने फेसबुक पे भी इस चीज़ को शेयर करा हुआ है, तो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बस यही तीन चीज़ आपको करनी है, और अरुणाचल स्पेसिफिक जो पढ़ना है वो आप ले लो, अरुणाचल टाइम्स, ठीक है, अरुणाचल टाइम्स आप प्रेफर करो, दैट इज़ बेस्ट। आपके अरुणाचल से रिलेटेड जो हाइलाइट्स हैं, चीज़ें हैं, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज ये दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपको सफिशियंट मिल जाएगा। अगर आप इस दो में से कोई सी बुक को प्रेफर कर दो, दैट विल बी बेस्ट, आपको कहीं और देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, ना कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत है। सुन लिया आपका जीके के लिए है, मैंने आपको लोशन बता दिया है, आप इसको खरीद लो, उसकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसको बाय करो, बैठ के पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग करेंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता रखा है कि मैंने मंथली वाइज अपलोड कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपका अरुणाचल टाइम्स न्यूज़पेपर, ये चार चीज़ करनी है आपको, किसके लिए, जीके के लिए, आपका ये जो यहाँ से 100 मार्क्स का होना है, ठीक है, ये इतना टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उसकी नहीं है कि लाइक अरे कैसे होगा कैसे होगा, अभी आपके पास ये अब सफिशियंट नंबर ऑफ टाइम्स, लोग 20 20 दिन पढ़ के SSC CGL अब निकाल देते हैं, SSC के एग्ज़ाम्स क्लियर कर देते हैं, तो आपका ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जबकि वहाँ पर 10 मोर देन 5000 मोर देन 5 लाख और 10 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उसका, ठीक है, तो ये आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, अननेसेसरी फैकल्टी या टीचर्स की मत जाना, टाइम वेस्ट होगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, स्ट्रेस अलग से होगा, क्योंकि उनको बेवकूफ़ों को पता ही नहीं रहता, एग्ज़ाम पैटर्न देखना है नहीं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है नहीं। अब 0.0002 प्लस 0.0005 12 ऐड करके बता दो, ये पढ़ के तुम LDC बनोगे, थिंक अबाउट इट, क्योंकि उनको यही चीज़ करानी होती है, आपको भी आसानी से सॉल्व हो जाता है, उनमें भी कुछ हार्डवर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है ना, एंड यू कैन एंड यू विल आप इजीली उनको 10 10000 8000 पेड करके आ जाते हैं, और लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है, 0। तो इस सारी चीज़ों से आपको बचना है, ओके, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, और आपको अच्छे से प्रिपेयर करके सेलेक्ट होना है। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम होने के बाद लेटर लिखो, एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराओ, ये सारे काम आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीके के लिए, और ये हो गया इंग्लिश के लिए, एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अब इसमें भी आपका 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सिलेबस आपको यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपका है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, सेकेंड वन इज अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ओके, थर्ड वन इज द अलजेब्रा, एंड फोर्थ वन इज द ज्योमेट्री, फिफ्थ इज द मेंसुरेशन, सॉरी फोर्थ वन इज द मेंसुरेशन,
सिक्स वन इज द ट्रिगोमेट्री, सेवेंथ वन इज द स्टैटिस्टिकल चार्ट, स्टैटिस्टिकल चार्ट एंड लास्ट वन इज द जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोल देते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं। अगर इसको अच्छे से एनालाइज करा, ठीक है, तो आप इसको 50 में से आप 50 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। 50 चलो फिर भी ज़्यादा हो गए, तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट 46 और 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, ठीक है। तो इसके लिए आपको नंबर सिस्टम, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस। अब इसके लिए थोड़ा यहाँ पे देखते हैं बुक्स, इसके लिए आपको कौन सी प्रेफर करनी है। बुक्स प्रेफर करनी है डॉक्टर आर एस अग्रवाल, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा आपका, ये सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से इसको जिस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये आपका कंप्लीट सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आपका रीजनिंग की बुक भी डॉक्टर आर एस अग्रवाल की एक आती है, इनकी अरिथमेटिक बुक आती है, ठीक है ना, जिसको आप जनरल एप्टीट्यूड बोलते हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इनकी रीजनिंग की भी बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो आपको यही बुक्स प्रेफर करनी है। आर एस अग्रवाल में इतनी अच्छी बुक है, ठीक है, आपको शॉर्टकट्स भी मिल जाएगा, आपको लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी अच्छा जो मैथमेटिशियन होता है वो आपको यही एक चीज़ आपको रेफर करेगा। चार पेज की बुक लेके नहीं बैठना है, और आपकी जो कोचिंग्स के मैंने देखा है ऑफलाइन में और जो बेवकूफ़ टाइप के हैं उनसे बोल देना कि भाई ज़रा ढंग से सर, ज़रा ढंग से पढ़ाइए कि हम पास करें एग्ज़ाम, ठीक है। आएगा रिजल्ट, निकलेगा फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट 100 स्टूडेंट सिलेक्टेड, वो सब झूठ है, ठीक है। स्टूडेंट अपनी मेहनत करता है और वो जो पढ़ाते हैं वो पता है, ठीक है। आप उस फैकल्टी से पूछोगे तो बताएगा कि बस वो थोड़ा स्टूडेंट खुश होता है इसकी वजह से बोल देता है कि सर आपने पढ़ाया, ठीक है। नहीं तो जो फेल होते हैं आप उनसे पूछ लो कि वो भी सेम इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ते हैं, उनसे पूछ लो कि क्या पढ़ाया हुआ है, तो आपको ओरिजिनलिटी बता देंगे, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इस बुक को प्रेफर करो, दैट इज़ बेस्ट बुक। कहीं और आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको मैथ की बुक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप इसको प्रेफर करो, सबसे बेस्ट बुक है, आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसमें से मैं आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगा जो जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। अलजेब्रा को अच्छे से फोकस करो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, और इसको स्टैटिस्टिकल चार्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है आपके यहाँ, बट आप इसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मे बी एक आध क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन स्टैटिस्टिकल चार्ट को आप देख करके बता सकते हो, लाइक आपके जो पाई चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, उसमें बेसिकली परसेंटेज वगैरह का होता है कैलकुलेशंस, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रिगो से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो एक दो क्वेश्चंस होते हैं, वन और टू क्वेश्चंस, वो आप कर सकते हो, उसके लिए आपको स्पेशल स्टडी या इसको सब्जेक्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉब्लम उनके लिए है, देखो जिनका मैथ से बैकग्राउंड है, साइंस से है, वो बहुत आसान है, वो कर ले जाएंगे, बट जिनका नहीं है, ठीक है, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए ये बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक्स क्लियर करेगा, लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप उन एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे, आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होगा, ठीक है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। तो मैथ्स के लिए आपको आर एस अग्रवाल, इसके लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ जीके करंट अफेयर्स, और यहाँ से अरुणाचल टाइम्स, और यहाँ पे आपकी एस पी बक्सी की बुक आती है, जनरल इंग्लिश की, लूज इसकी अरियन पब्लिकेशन की, और सेकेंड लूसेंट की, तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, ओके। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सब्जेक्ट डिटेल्स, ठीक है ना, कि आपके सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, ठीक है, कैसे आपको पढ़ना है, ये चीज़ से यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं।
ओके नाउ सी, अब थोड़ा हम इसको प्रिपेयर कैसे करें अच्छे से इफेक्टिवली उसको थोड़ा देखते हैं। ओके नाउ वी हैव ओनली 1 month रिमेनिंग, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा एकदम से हाइप हो जाना या स्ट्रेस लेके पढ़ना, नहीं। रिमेंबर फर्स्ट थिंग, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रह के पढ़ना है। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो वी हैव GK, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ओनली 30 days रिमेनिंग है ना, वी हैव ओनली 30 days, वी हैव ओनली 30 days। ओके सर, 30 days में आपको कैसे प्रिपेयर करना है कि आपको मैथ्स भी करना है, इंग्लिश भी करना है और GK भी करना है। तो डेली आप प्रेफर करो 10 to 12 आवर स्टडी टाइम, ठीक है। डेली आप 10 to 12 आवर करो, ये फिक्स रखो, सिर्फ 1 महीने की बात है और इतना आप आसानी से कर सकते हो। आपको सेलेक्ट होना है, आपको अपने अननेसेसरी काम छोड़ने पड़ेंगे जिस पे आपका टाइम वेस्ट होना है, उन सारी चीज़ों को आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आपको नहीं ध्यान देना है। एंड वन मोर थिंग, ठीक है, अगर आप इतना डेली 10 to 12 आवर्स करते हो तो यू हैव सफिशियंट नंबर ऑफ टाइम्स। भाई आपके पास इसमें कितने टोटल 7 topics हैं। आप क्या करो, फर्स्ट डे आप 1 week सेलेक्ट कर लो जिनकी मैथ सबसे वीक है, जिनकी मैथ सबसे वीक है, वो आप क्या करो डेली या पे 10 to 12 आवर्स। देखो जिन्होंने पढ़ना बिल्कुल नहीं स्टार्ट करा है तो याद रखो आप एक फर्स्ट डे में ही नहीं कर पाओगे 8 to 12 आवर्स, ठीक है। तो आपको 6 to 8 करना पड़ेगा, फिर 8 to 9 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 9 to 10 ऐसे आपका इंक्रीज होगा। ऐसे नहीं कि आप एक ही दिन में 10 घंटे बैठ के पढ़ोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। बेटर ये है कि नाहरलगन में देखो लाइब्रेरी भी है, ठीक है। आप हाथी माता के सबसे लेफ्ट में देखना जहाँ पे शॉप्स वगैरह लगती हैं, वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है, तो आप वहाँ लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पर न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स आपको मैथ्स की उतनी बुक्स नहीं मिलेंगी बट लिटरेचर की बहुत सारी बुक्स हैं, लिटरेचर की वहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं। तो नाहरलगन में आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, वहाँ पर आप जाके ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आप जाइए, वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था है तो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। देयर इज़ लार्ज टेबल्स, वहाँ पर चेयर्स भी हैं, पर आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। बस आपको एक ID कार्ड बनवाना होगा अपना, ठीक है। तो 1 week आप इसके लिए मैथ्स के लिए दो, ठीक है। 1 week में इतना 7 topics है ना, 1 day में 1 topics, 1 chapter, जैसे नंबर सिस्टम आपने पढ़ा। नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद, ठीक है, आप उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। क्या आपने जो सॉल्व करा है, जो आपने पढ़ा है, क्या वो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप करो तो आप इसको एक फेयर कॉपी में बनाना ताकि आप दोबारा उसको रिवाइज भी कर सको। चलो 7 topics हैं तो आप 8 days ले लो, लेकिन 8 days में आपको फिर मैथ आपको कंप्लीट करनी है ये। और नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं कि नोट्स आप हर एकदम अच्छी डायरी में एक एक लाइन करके लिख रहे हो तो फिर आप लिखते ही रह जाओगे। आप उसकी इसमें बुक जब ओपन करोगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखें, तो आपको केवल वही नोट करना है अपनी कॉपी में। वो नोट करने के बाद सीधे आप एक्सरसाइज पे आ जाओ, जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, समझो कि कैसे सॉल्व करा हुआ है, ठीक है, वो कैसे सॉल्व करा, तब आपका मैथ कंसेप्ट क्लैरिटी देगा। मैथ में जितना ज़्यादा आपको थ्योरी कंसेप्ट होना चाहिए उतना ज़्यादा आपको उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए। भैया आपने जो पढ़ा उसको अप्लाई भी तो करना है, तो आप कहाँ पे अप्लाई करोगे, आपका एग्जांपल्स पे अप्लाई होगा। और अगर वो क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए देन इट्स श्योर कि आप आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सो इट इज़ बेटर आप 1 day में 1 subject को सिलेक्ट करो, फिर आपका 8 to 8 days मैक्स 2 हो गया, ये 7 होता है मैंने 8 कर दिया, इतने दिन में आसानी से आप इसको कर सकते हो मैथ्स को, ठीक है। और फिर आपका जो 8 to 12 आवर्स के पास जो रिमेनिंग टॉपिक बच रहा है, जो आपके पास टाइम बच रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आप 12 घंटे सब वेस्ट कर दोगे। अब भी है तो सोना कम कर दो, 4 to 5 आवर्स और 5 to 6 आवर्स ही सो, इतना कौन सा ज़रूरी है, 8 घंटे सोओगे तभी ठीक रहेगा। ओके और इसमें से अगर कोई कहे कि ये टॉपिक छोड़ दो, ये टॉपिक छोड़ दो, तभी आपके पास टाइम है पढ़ लो। एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने से तुम्हारी तबीयत नहीं ख़राब हो जाएगी, ठीक है, कहीं की सुनामी नहीं आ जाएगी। तो बेटर है कि पढ़ लो, अगर इधर उधर क्वेश्चंस हुआ तो सॉल्व कर सको, ऐसा ना हो कि अरे यार इसको पढ़ लिया होता तो यहाँ से क्वेश्चंस हो जाता,
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान देना, आप ये कर लो, ठीक है। और फिर सेकेंड थिंग, जब आप सोने जाओ, जब आप सोने जाओ, ठीक है, या फिर आपको जब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हो, उस टाइम आप ज़रा सोचो कि आज मैथ्स में हमने क्या पढ़ा और कौन कौन से फॉर्मूलेज पढ़े, ठीक है, कौन क्या पढ़ा और कौन कौन से फॉर्मूलेज पढ़े। अगर वो उस टाइम आप याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। मैथ को ध्यान दे के पढ़ना, मैथ इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, 100 में से यू कैन ईजिली स्कोर 92 to 94 मार्क्स, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो आई कैन एश्योर कि आप 98 to 100 मार्क्स भी ला सकते हो, कोई टफ नहीं है, बहुत अच्छी बुक है ये। आप अपना यूडीसी के एग्ज़ाम उठा के देखना तो सारे क्वेश्चंस यहीं से ही मिल जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहीं से ही मिल जाएंगे। और फिर आप जीके को भी साथ में कंटिन्यूस रखो और इंग्लिश को भी, लेकिन 1 वीक आप कंप्लीट इसको दो मैथ को, और फिर जब मैथ आप 1 वीक दे दोगे तो आपको मैथ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, मैथ्स में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। लेकिन और एक सेकेंड चीज़, आप उसकी कैलकुलेशन खुद से करना, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर रखा, कैलकुलेटर को यूज़ कर लिया, नहीं, खुद से सॉल्व करना। स्टार्टिंग में थोड़ी होगा आपका स्पीड स्लो का, लेकिन 1 2 3 दिन के बाद आपकी आप गियर में आ जाओगे, ठीक है, फिर आप उसी के साथ साथ चलते चले जाओगे। ओके, तो ये हो गया मैथ्स का। जीके के लिए मैंने आपको बता रखा है बुक्स का, जब भी पढ़ो हाईलाइट करते हुए चलो, साथ में A4 साइज पेपर्स रखो, अगर आपको कुछ लगता है कि ये नोट करने लायक है तो आप उसको नोट डाउन कर लो उस पेपर में। सिमिलर आपका है जीके के लिए, ठीक है ना, सॉरी इंग्लिश के लिए। तो ऐसे ही अगर आप देते हो यहाँ पे 8 डेज, ये हो गया जीके के लिए, आप कितना 4 डेज दे लो, और इंग्लिश के लिए भी आप 4 डेज देख लो, कितना हो गया 4 4 8 और 8 8 कितना होता है 16। अभी आपके पास कितने दिन बच रहे हैं, 14 डेज रिमेनिंग रह रहा है। अब इस 14 डेज में, ठीक है, इस 14 डेज में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, ठीक है, इन 14 डेज यू हैव टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स व्हाट, आपके जो SSC CHSL के क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को व्हाट यू हैव टू डू, आप उनको बैठ के सॉल्व करो। देखो ये सब कुछ पढ़ा आपने, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, अब आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मॉक टेस्ट पेपर बोलते हैं। तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पेपर को डाउनलोड करो, टाइमिंग देख लो 2 आवर्स 3 आवर्स में, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप उनको प्रैक्टिस करोगे, उनके सॉल्यूशंस भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है, आप सॉल्व करो, उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएगा। ओके, जब सॉल्यूशंस आपको मिल जाए, अगर आपको कहीं डाउट्स हो रहे हैं तो आप सॉल्यूशंस को देखो और आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, उसको देखो कहाँ से गलती हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके लिए करनी पड़ेंगी मैथ्स के लिए, इतना सब कुछ करने के बाद आपका मैथ्स लाइक आपका विद इन 20 डेज 25 डेज एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन फिर आपको कंटिन्यूस अपनी स्टडी पे ही फोकस करना है 1 मंथ, कहीं और नहीं, ठीक है। 30 डेज आपका जो भी करना है वो आपको बस इसी अपने एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है। ओके, तो आपका मैथ्स भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, और आपका जीके भी हो जाएगा, ठीक है। वन मोर थिंग, फॉर द अलजेब्रा, अरिथमेटिक ऑपरेशन, नंबर सिस्टम, ठीक है, मेंसुरेशन, इन सब के लिए शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स होते हैं। ओके, तो वो शॉर्टकट की वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, एग्जाम स्टडी सेल्फ जो आपका यूट्यूब चैनल, इसमें मिल जाएगा। ओके, एंड वन मोर थिंग, फ्रॉम 5th of September, ठीक है, एंड 10th of September, रिमेंबर दिस डेट, आपकी मैथ्स की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर आपका 8 PM इवनिंग टू 9 PM इवनिंग आपकी लाइव क्लासेस होंगी, फ्री में होंगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम स्टडी सेल्फ, ठीक है, एग्जाम स्टडी सेल्फ, तो आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैथ्स की आपके अगर कोई क्वेरीज हैं, उसमें मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा, ठीक है। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन देखो, x प्लस 1 बाई x इज़ इक्वल टू 9,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म कितनी होगी वैल्यू। इसमें आपको सॉल्व कोई मैथ्स अप्लाई नहीं करनी, कुछ भी अप्लाई नहीं करनी, यू विल जस्ट हैव टू पुट द आंसर। देखोगे आंसर करोगे रूट ऑफ फाइव प्लस रूट ऑफ फाइव प्लस रूट ऑफ फाइव प्लस रूट ऑफ फाइव प्लस डॉट इनफाइनाइट टाइम, सबका समेशन क्या होगा, ये सब जस्ट देखो और आंसर करो, नथिंग। ओके, ये सारे शॉर्टकट्स मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा, तो आप इसको वहाँ से ज्वाइन करो। वन मोर थिंग, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करना, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो आपके यहाँ के टीचर्स होंगे, मैंने देखे हुए हैं, वो सब दो चार पंटर टाइप के हैं और कुछ हैं हुए नहीं, ठीक है, वो इधर से उधर करा करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि बस हो गया आपका सिलेबस। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, यू हैव टू सेलेक्ट ऑल्सो, और आपका सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिल जाएंगे फ्री में, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का बिल्कुल कम्प्लीट। ओके, एंड अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट्स होते हैं, कुछ भी होता है, सो दिस इज़ माई नंबर 9555509916। ओके, सो यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है। ओके फाइन, सो वी हैव डिस्कस दिस कंप्लीट डिटेल्स ऑफ APSSB LDC एग्जाम्स, ठीक है, आपके एग्जाम्स क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, कितने नंबर आप कैंडिडेट्स हो सकते हैं, कितनी कट ऑफ हो सकती है, आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ वी हैव डिस्कस। तो ठीक है, फिर हम लोग लाइव क्लासेस में मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ओके देन, चलिए, थैंक यू सो मच।